भाजपा राजस्थान में 3 उपचुनाव हारने के बाद मुख्य कारणों को ध्यान में रखते हुए अलवर में रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ताकि विपक्ष को आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे न मिल पाए। इसी कड़ी में अलवर में रुके हुए कामों को गति देते हुए राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और परीक्षा कक्ष का शिलान्यास किया गया। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अलवर के ESIC मेडिकल कॉलेज और मिनी सचिवालय सहित मत्स्य विश्वविद्यालय जैसे रुके हुए कार्यों को चुनाव में भुनाया था। अब सरकार उन कार्यों को गति देने में लगी है। इसी कड़ी में अलवर ग्रामीण विधानसभा में हल्दीना में स्थापित राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और परीक्षा भवन का शिलान्यास उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी ने किया। इस दौरान किरण महेश्वरी ने आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्र में आए परिवर्तन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अहम भूमिका बताया। उन्होंने भाजपा शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों पर कहा कि आज गांव-गांव में बिजली, पानी और सड़कें बनी हैं। पहले कभी एक हैंड पंप लगवाना भी बड़ा काम माना जाता था। साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी और साइकिल वितरण कर प्रोत्साहित करने का काम वसुंधरा सरकार ने किया है। क्या समय था कि जब एक हैंडपंप अगर लगाना होता था तो उस हैंडपंप के लिए कहते थे कि हमारे यहाँ हैंडपंप लगा दो, तो गाड़ी आकर खड़ी हो जाती थी और कहते थे लगाएंगे, जाओ पहले वोट देकर आओ फिर लगाएंगे। जब वोट देकर वापस आते थे तो गाड़ी नहीं दिखती थी। कई लाइट के खंभे डाले जाते थे और कहते थे जाओ वोट देकर आओ लाइट के खंभे लगा देंगे, और जब वापस आते थे तो वो खंभे गायब हो जाते थे, खंभे कहीं दिखते नहीं। और आज हर गरीब के घर पर लाइट पहुंचाने का काम राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया है। हर BPL के घर में बिजली होनी चाहिए, कोई अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। ये कितना बड़ा निर्णय है इसको सोचो आप। आज से पहले ये क्यों नहीं किसी ने सोचा? आज इतना सुंदर काम, इतना अच्छा विकास, हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ये कितनी बड़ी सोच है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ। मैंने भी अपनी बेटियों के बारे में सर्वेक्षण किया और मैंने देखा कि कॉलेज में कितने बेटे और कितनी बेटियां पढ़ती है, उसका आकलन लगाया तो 51% बेटियां पढ़ती है बेटे के मुकाबले में। यानी बेटों से भी ज्यादा बेटियां हमारी आज कॉलेज में पढ़ रही है। इसके लिए कितना धन्यवाद दो उतना कम है, क्योंकि ये सब बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद देने की जरूरत है कि आप सबके सोच में परिवर्तन आए। इस दौरान भाजपा अलवर जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल, ग्रामीण विधायक जयराम जाटव, तिजारा विधायक मामन सिंह सहित यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर भारत सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रशासनिक भवन की और परीक्षा भवन की आज रखी है राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी जी ने। और इस मौके पर अलवर शहर विधायक, अलवर ग्रामीण विधायक, तिजारा विधायक मौजूद थे और बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ। मत्स्य राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति भरत सिंह जी और पूरा स्टाफ और अन्य पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ग्रामीण माताएं, बहनें, भाई, बच्चियाँ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। और 25 करोड़ रुपए का ये काम शुरू हो गया है। 11 महीने के अंदर ये दोनों भवन बनके तैयार हो जाएंगे।